आज की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में हमारे पास पुराने 64 मदें थी, जिसमें से 12 मदें हमारी समाप्त हो गई, जिसपे माननीय सदस्यों ने सहमति दी, और कुछ नई मदें, लगभग 15-16 नई मदें भी शामिल की गई है, जिन पे आने वाली बैठक में चर्चा किया जाएगा। तो जो कुछ मुख्य मुद्दे हमारे रहे वो बस रूट को लेके रहे हैं, जिसमें RTO 16, RTO 32, साथ ही साथ कंसर्न जो HRTC की RM है उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इनकी तरफ से ये कहना था कि इन्होंने फाइल बना के भेजी थी RTA को, जो कि हमारे राज्य स्तरीय लेवल की समिति है जो फाइनल करती है, वहाँ से ये किसी कारणवश पास नहीं हो पाया था, इसको फिर वापस से कोशिश करेंगे। तो लगभग हमारी 10 ऐसी मदें हैं जो बस रूट को लेकर हैं, तो हमें उम्मीद है कि आने वाली त्रैमासिक बैठक से पहले वो भी हमारी जो बस रूट को लेके मुद्दे मदे चल रही है वो ड्रॉप हो जाएंगी। कुछ बिजली विभाग की समस्याएं थी ज़्यादातर, खास करके हमारे कुनिहार, अर्की और बद्दी एरिया में, तो उसमें से काफ़ी सारे आ, आ, मदों पे कार्य कर लिया गया था। हालांकि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो जिनको बार बार नोटिस देने के बावजूद वो नहीं आ पा रहे, उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, अगर उनका स्पष्टीकरण सही नहीं पाया जाता तो उनके खिलाफ जिला परिषद की तरफ से जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग को बताना चाहूँगा कि पिछली मद में माननीय सदस्य जिला परिषद के द्वारा एक मद रखी गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है जिला परिषद सदन की तरफ से, कि नशे निवारण को लेकर एक मद डाली गई, जिसमें हर बैठक में चर्चा की जाती है। तो इस बार भी चर्चा की गई, इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस विभाग की तरफ से ASP 16 उपस्थित थे, जिन्होंने विभागों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में बताया है। अब मुझे लगता है कि यह विषय जिला परिषद सदन में लाने से एक फायदा तो ये होगा कि इसमें हम समीक्षा कर सकते हैं 3 महीने पे कि क्या कार्रवाई अलग अलग विभागों द्वारा की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलन को नशा मुक्त भारत अभियान में भी शामिल किया गया है, तो जिला प्रशासन और अन्य विभागों की मदद से जिला स्तरीय एक कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसमें माननीय सदस्यों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में नशे पर हम अंकुश लगाने में सफल हो पाएंगे।